नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं मनी नाइन। करीब 4 साल पहले सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की टैगलाइन तले जिस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया था, जल्द ही देश के अधिकतर नागरिकों के पास उस तरह का कार्ड उपलब्ध होगा। सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि नई जारी होने वाले कार्ड या रिन्यू होने वाले कार्ड में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा होनी चाहिए। साथ में कार्ड में कॉन्टेक्टलेस ऑप्शन भी होना जरूरी है। सरकार ने पहली बार मार्च 2019 को कार्ड की लॉन्चिंग की थी। इन कार्ड्स को साधारण डेबिट कार्ड की तरह तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है, यानी इनके जरिए एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। बिना पिन डाले आप ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, साथ ही डिजिटल वॉलेट की तरह भी इन कार्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है। देश भर में जहां जहां मेट्रो चलती है, वहां इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट कार्ड के रूप में भी किया जा सकता है। साथ ही टोल बूथ से लेकर पार्किंग तक के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस निर्देश के जरिए सरकार रुपे कार्ड को भी बढ़ावा देना चाहती है। दरअसल देश में नेशनल कॉमन मोबिलिटी की सुविधा वाले अधिकतर कार्ड रुपे ही जारी करता है। अब बैंकों को क्योंकि कॉमन मोबिलिटी सुविधा वाले कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है, तो जाहिर है कि रुपे कार्ड ही ज्यादा जारी होंगे। वीजा या मास्टर कार्ड भी अपने कार्ड्स में अगर इस तरह के फीचर्स शामिल करते हैं तो उनके कार्ड्स को भी बढ़ावा मिलेगा। रुपे कार्ड को साल 2012 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, लेकिन अभी तक भी रुपे कार्ड नेटवर्क वीजा और मास्टर कार्ड जैसे नेटवर्क के मुकाबले काफी पीछे हैं। हालांकि डेबिट कार्ड बाजार में रुपे कार्ड का दबदबा बढ़ रहा है। RBI की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में कुल जितने क्रेडिट कार्ड हैं, उनमें से रुपे क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 3% से भी कम है। लेकिन पिछले साल जनवरी तक देश में जितने डेबिट कार्ड इशू किए गए थे, उनमें से 65% रुपे कार्ड थे। RBI की रिपोर्ट ये भी बताती है कि ई कॉमर्स से खरीदारी में रुपे कार्ड की हिस्सेदारी 13% है। अब सरकार को यदि भारतीय कार्ड बाजार में हिस्सेदारी बढ़ानी है, डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क को मजबूत करना है और विदेशी कार्ड नेटवर्क्स की डुओपोली से बाजार को बचाना है, तो रुपे कार्ड को विकल्प बनाना ही होगा। अपने नए निर्देश से सरकार इसी विकल्प को मजबूत कर रही है।